भारत काफी समय से अग्निशह मिसाइल को गुप्त ही रखे हुए था, क्योंकि भारत अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करता है। लेकिन अब जब चीन ने अपनी नई खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर भारत को चुनौती दी है, तो अब अग्निशह मिसाइल को गुप्त रखने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जब बात भारत की सुरक्षा की आती है, तो हम पहले ही अपनी रक्षा के लिए परमाणु मिसाइलें बना चुके हैं, तो फिर यह अग्निशह मिसाइल क्या चीज है? दोस्तों, चीन ने साउथ चाइना सी में बैलिस्टिक मिसाइल दाग कर खुद को बहुत बड़ा 30 मार खान समझ लिया था, लेकिन अब भारत इसका जवाब ऐसे हथियार से देने वाला है कि उसके कानों से धुआं ही निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भारत से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रखें, जय हिंद कहना हम सभी के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, हाल के दिनों में चीन और भारत के बीच एक अदृश्य होड़ चल रही है, और इस होड़ का केंद्र है बैलिस्टिक मिसाइलों की बढ़ती शक्ति। चीन ने हाल ही में अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया, जिसने न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। ये परीक्षण लगभग 40 साल बाद हुआ, और इसने जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों को चिंता में डाल दिया। चीन की नई मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 5,500 किलोमीटर है, जो इसे भारत जैसे देशों के लिए एक गंभीर चुनौती बनाती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि भारत क्या कर रहा है? क्या भारत अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अगला कदम उठाएगा? इस संदर्भ में अग्नि 6 का नाम सामने आता है। अमेरिका के एक प्रतिष्ठित रक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्ट का दावा है कि भारत जल्द ही अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। यह दावा पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। यह मिसाइल भारत की अब तक की सबसे शक्तिशाली मिसाइल होगी, और इसकी रेंज 9,000 किलोमीटर से भी अधिक हो सकती है, यानी यह मिसाइल दुनिया के लगभग हर कोने तक पहुंच सकती है। अगर यह परीक्षण सफल होता है, तो भारत के पास एक ऐसी मिसाइल होगी जो न केवल चीन बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से तक पहुंचने में सक्षम होगी। अब सवाल यह है कि अग्नि 6 बाकी मिसाइलों से अलग क्यों है? यह मिसाइल एक साथ 10 परमाणु वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखती है, और MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है। इसका मतलब यह है कि एक ही मिसाइल से भारत कई अलग अलग जगहों को निशाना बना सकता है। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ यह एक बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त है। मान लीजिए कि अगर चीन भारत के खिलाफ कोई आक्रामक कार्रवाई करता है, तो अग्नि 6 उसे एक ही बार में कई जगहों पर नुकसान पहुंचाने में सक्षम होगी। अग्नि 6 की एक और खासियत है कि यह दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को धोखा देने के लिए डिकॉयज और चैफ का उपयोग कर सकती है। इससे दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाएंगे और मिसाइल सही निशाने तक पहुंच जाएगी। साथ ही इस मिसाइल में इतनी शक्ति है कि यह अंतरिक्ष में छोटे सैन्य सैटेलाइट भी छोड़ सकती है। इसे FOBS फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम कहा जाता है, और इस तरह की क्षमता भारत को दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइल शक्तियों में शामिल कर देती है। अमेरिका के अनुसार भारत 2027 तक अग्नि 6 को पूरी तरह से तैयार कर सकता है, और यह मिसाइल ठोस ईंधन पर आधारित होगी। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत गुप्त रूप से इस परियोजना पर काम कर रहा है, और जल्द ही इसका परीक्षण हो सकता है। आपको याद होगा कि पहले भी अमेरिका ने दावा किया था कि भारत के पास डायरेक्ट एनर्जी वेपन की तकनीक है, और कुछ समय बाद भारत ने इसका सफल परीक्षण भी किया था। ऐसे में अमेरिका का यह दावा कि भारत अग्नि 6 का परीक्षण जल्द करने वाला है, पूरी तरह से सच साबित हो सकता है। भारत ने अपनी मिसाइल तकनीक में जबरदस्त प्रगति की है। आज भारत के पास जमीन पर, समुद्र में और अब अंतरिक्ष में भी मिसाइलें हैं। अगर भारत अग्नि 6 का परीक्षण करता है, तो यह देश की रणनीतिक ताकत में एक बड़ा इजाफा होगा। DRDO ने पहले ही कई सफल परीक्षण किए हैं, और अग्नि 5 जैसी मिसाइल को विकसित कर भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि वह मिसाइल प्रौद्योगिकी में किसी से पीछे नहीं है। यह भी माना जा रहा है कि अग्नि 6 मिसाइल की आधिकारिक रेंज 9,000 किलोमीटर बताई जाएगी, लेकिन यह मिसाइल इससे भी अधिक दूरी तक मार कर सकती है। भारत अपनी मिसाइलों की रेंज कम बताकर अंतरराष्ट्रीय विवादों से बचने की कोशिश कर रहा है, ताकि पश्चिमी देश इस पर संदेह न करें। यह भी ध्यान रखना होगा कि DRDO के कई प्रमुख वैज्ञानिकों ने इस बात का संकेत दिया है कि भारत के पास अग्नि 6 जैसी मिसाइल विकसित करने की तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमता पहले से ही मौजूद है। हालांकि आधिकारिक तौर पर भारत ने अग्नि 6 को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन DRDO के पूर्व निदेशक VK सारस्वत ने 2013 में ही कह दिया था कि भारत अग्नि 6 पर काम कर रहा है, और इसे पूरा करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
अब जब इस बात को 10 साल हो चुके हैं तो यह लगभग तय माना जा सकता है कि भारत इस मिसाइल के विकास के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अब यह सवाल भी उठता है कि चीन और रूस जैसी बड़ी सैन्य शक्तियों के पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं तो भारत क्यों अपनी मिसाइलों की क्षमता को बढ़ाने से बच रहा है। इसका कारण है अंतर्राष्ट्रीय दबाव। भारत के मुख्य दुश्मन पाकिस्तान और चीन है और अग्नि 5 की रेंज में यह दोनों देश पहले ही आते हैं। अगर भारत अग्नि 6 जैसी मिसाइल विकसित करता है जिसकी रेंज 9000 किलोमीटर से अधिक हो सकती है तो पश्चिमी देशों को यह महसूस हो सकता है कि भारत की मिसाइल क्षमता उनके लिए भी एक खतरा बन सकती है। चीन के मिसाइल परीक्षणों के जवाब में भारत को अपनी मिसाइल क्षमताओं को और उन्नत करने की आवश्यकता है। अग्नि 6 भारत की सुरक्षा और सैन्य शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अमेरिका का दावा कि भारत जल्द ही इस मिसाइल का परीक्षण करेगा न केवल सच के करीब है बल्कि यह भारत के रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं का भी संकेत है। आने वाले सालों में अग्नि 6 दुनिया को यह दिखाने के लिए तैयार है कि भारत एक वैश्विक सैन्य शक्ति के रूप में उभर रहा है जो न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है बल्कि अपने दुश्मनों को दूर से ही नष्ट करने में सक्षम है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और हमारी सुरक्षा और DRDO के मेहनत के लिए जय हिंद लिखना न भूलें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।